इटावा क्षेत्र के लुहावदा अयाना गांव को जोड़ने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 10 साल पहले बनाई गई पुलिया सोमवार को दोपहर 3 बजे अचानक भरभराकर ढह गई। हालांकि इस दौरान पुलिया पर कोई वाहन नहीं होने के कारण बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन इसकी सूचना सरपंच सजीदा रफीक पठान द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मुकेश मीणा को तत्काल मोबाइल पर दी गई। उसके बाद अधिशासी अभियंता अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। सरपंच संजीदा रफीक पठान ने बताया कि इस पुलिया का निर्माण कार्य वर्ष 2011 में रोड के साथ ठेकेदार द्वारा किया गया था। पुलिया बनने के बाद से ही इसमें कई दरारें आ गई थी और जगह जगह से पत्थर दरक गए थे। इसकी सूचना समय समय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी गई थी, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं देने से यह पुलिया सोमवार को अचानक भरभराकर ढह गई, जिससे गाँव में आने जाने का रास्ता पूरी तरह से अवरोध हो गया। ज्ञात रहे कि दौलतपुरा में से दुर्जनपुरा तक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते इस पुलिया से भारी भरकम ट्रोले, गिट्टी व अन्य सामग्री लेकर गुजरते हैं। जर्जर हो चुकी इस पुलिया को अब ढहने से एक दर्जन गांवों का रास्ता अवरोध हो गया है। हाड़ौती न्यूज के लिए इटावा से राजेंद्र जैन की रिपोर्ट। खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।